हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेज अप। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की, जो बहुत ही ईजी है और आपको फटाफट उसके आंसर आ जाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के वीडियो में डिस्कस किया है, उसकी ट्रिक भी बताई है याद करने की, आप उसको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले। साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, अब साइन की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब उसका रिवर्स होता है कॉस 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 0। अगर हम tan क्या होता है, sin upon cos की वैल्यू करते जाएंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी 0 1/√3 1/√3, एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। अगेन cos x इसका रिवर्स है, sin का रेसिप्रोकल है, तो 1/sin आप करेंगे तो आपको cos x की वैल्यू मिल जाएगी। sec किसका है, 1/cos का है, cos की आप वैल्यूज रिवर्स करेंगे आपको sec की मिल जाएंगी। और tan की अगर आप वैल्यूज cos upon sin कर देंगे या फिर आप tan का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/10 कर देंगे cot की जगह 1/10 कर देंगे तो आपको cot की वैल्यूज मिल जाएगी। तो सिंपली अगर आपको सिर्फ sin की वैल्यू याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल सकते। आपको एग्जाम्स में 10 मिनट पहले आपको शीट मिल जाती है, आप 10 मिनट पहले आंसर शीट में अपना टेबल रेडी करके रख सकते हैं, जिसमें आप इस पे बेस क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते। चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30, दोनों के बीच में कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई है, प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कॉस 60। सिंपली हमें वैल्यूज होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस 30 की आप देखेंगे √3/2, प्लस साइन 30 की 1/2 एंड कॉस 60 की 1/2। अब पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे बॉटमास रूल के हिसाब से, मल्टीप्लीकेशन पहले होता है तो √3 × √3 = 3 एंड 2 × 2 = 4 प्लस 1 × 1 = 1 एंड 2 × 2 = 4। आप एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा 3 + 1 4/4 दैट इज 4 × 1 = 1, तो 1 इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको अगर टेबल याद है तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो 2 से 3 मार्क्स के होते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इजीली आपके उसके मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेम इवैल्यूएट पे ही है और थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेरीज थी इसके लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर नहीं आता है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। cos 45 की वैल्यू देखिए, आप cos 45 की 1/√2 है होल अपॉन sec 30 की है आपकी 2/√3 प्लस cos x 30 की है आपकी 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/√2 एलसीएम ले लेंगे नीचे 2√3/√3 हो जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा √3/2 + 2√3 मल्टीप्लाई 1/√2। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 + √3 मल्टीप्लाई 1/√2। अब हम √2 को रेसिप्रोकल कर लेते हैं √2/2, तो ये √6 हो गया। नीचे आपका ये √2 × √2 और 2 × 2 = 4 1 + 2 = 3। इसके बाद हम अगेन रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1 − √3 और 1 − √3।
ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा माइनस 2, तो ये आपका जाएगा माइनस रूट 6, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 8। साइज 8.2 पर और हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब इसमें आप सबसे पहले रखेंगे कॉस की वैल्यू, आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं रहेगी, टेबल में कॉस 60 की वैल्यू देखना है। कॉस 60 की वैल्यू है आपकी 1/2, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 4, sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू है आपकी 1, तो आप इसका स्क्वायर लेंगे, आप वैल्यूज लेने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ, आपने एक आइडेंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी प्रीवियस वीडियो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एंगल अगर सेम है और सेम सिचुएशन है तो आप उसकी जगह डायरेक्टली इसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, लेकिन अगर आप पूरी वैल्यूज रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर, जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है वहां पे। इस अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4, तो 4+4 1 मिल गया। तो या तो आप इसको डायरेक्ट मान रख दो थ्रू आइडेंटिटी और साइड में रिप्रेजेंट करना कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए हम यहाँ होते हैं। अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 होता तब आप ये चीज नहीं कर सकते थे, आपके लिए सेम एंगल आपको जरूरी है। अब हम ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1, तो ये आ गया आपका 5/4 प्लस 4 16/3 प्लस 1, डिनोमिनेटर का आप 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 प्लस 12, तो आप 64 प्लस 15 प्लस 12 आप कर रहे हैं 5+4 9 10 11 6 7 8 9 91/12 आपका आंसर आ रहा है 91/12। आप इसका स्क्वायर लिया ये आपको मिल गया 1/4, इसका स्क्वायर लिया ये मिल गया आपको 4/3, 4 4 16/3 5/4 और ये 1/1, ऐसे लेके सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 91/12। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं, आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन, 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30, ऑप्शन दिए हैं कि इन चार में से कौन सा करते हैं, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। सिंपली जब आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं तो आपको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलिए देखते हैं, 2 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, सेम डिनोमिनेटर में भी लेकिन यहाँ पे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 ऊपर और ये 1+1/3 हो जाएगा, √3 × √3 आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, यू विल इट विल बिकम 2/√3 × 3/4 कर दिया मैंने, ये 4 आ रहा था, ये 3 तो रिवर्स हो जाएगा, ऊपर 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब आपका बन रहा है 2/2 3 6/4√3, सिंस रूट की वैल्यू बहुत स्मॉल है हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए
हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसको काट भी सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, तो 3 √3 / 2 √3 मिल रहा है हमें, √3 √3 आप फिर से रैशनलाइज करेंगे तो 3 √3 upon again 2 multiply 3 + 3 3 cancel √3 / 2। अब आप देखिए √3 / 2 वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, 2 √3 / 2 साइन 60 है क्या? करेक्ट, साइन 60 हमारा √3 / 2 है, तो साइन 60 डिग्री आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट, साइन 60 आपका आंसर आ गया। cos 60 तो आपका 1/2 है, tan 60 तो आपका √3 है और sin 30 तो आपका 1/2 है, तो किस में आपको √3 / 2 मिल रहा है? sin 60 में, आपका ऑप्शन sin 60 हो गया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।